हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने कुछ इंडोर प्लांट्स और जो मैंने अपने घर के अंदर रखे हुए हैं, और मैं ये दिखाऊंगी आपको मैंने कौन सी जगह पे और कितनी रोशनी में वो प्लांट रखे हैं। ये सारे प्लांट एयर प्यूरीफायर है। जिस तरह से आजकल एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, उन्हीं के चलते मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। आजकल पता सबको है पर रखते नहीं हैं प्लांट्स। मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर ये रखने चाहिए। ये देखिए, ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, मैंने ऐसी जगह रखे हैं ये सब। यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है। इन्हीं का छोटा मैंने जो बनाया वो अपने मैं घर के अंदर रखती हूँ, छोटे प्लांट्स जो मैंने बनाए हैं। तो देखते हैं क्या कहाँ मैं इनको रखती हूँ। ये देखिए, ये है, मैं अब आपको ले चलती हूँ अपने ड्राइंग रूम में। यहाँ पे मैंने विंडो के पास एक टेबल रखी है और उस पर दो मनी प्लांट्स रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने हरे हो रहे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छा ग्रीन कलर आया है इनमें। तो ये मैंने विंडो के पास रखे हैं। और दूसरा है मेरा ये बेम्बू प्लांट, और यहाँ पर भी बाहर से रोशनी आती है, बहुत ग्रीन ये हो रहा है। देखिए, ये मेरा मेन डोर है, मेन डोर से यहाँ पे रोशनी पड़ती है। अगर बेम्बू प्लांट तो रोशनी ना भी आए, नेचुरल लाइट ना भी आए तो चल जाता है ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तक था जब मैंने ऑनलाइन ये ऑर्डर किया था, तो अब काफ़ी इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है, काफ़ी अच्छा ये चल रहा है। इसको 1 साल हो गया इस जगह पे रखे हुए। बस वीकली पानी ज़रूर चेंज कीजिएगा आप, ये देखिए इस तरह से, और इसमें ताकि इस पानी में मॉस्किटो ना पनप पाए। तो मैं भी हमेशा करती हूँ 1 वीक में एक बारी। और ये है मेरा ये जेट प्लांट यानी जामिया पाम, ये बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। इससे रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये कम रोशनी में भी हो जाता है। आप चाहें तो इसे अंदर इंडोर कहीं पर भी लगा सकते हैं। ये है मेरा पीस लिली, ये भी कम रोशनी में चलता है, और यहाँ पर हल्की रोशनी मेरी पड़ती है इन पे तो बहुत अच्छे ये प्लांट चलते हैं। पीस लिली में तो वाइट फ्लावर भी आ जाता है, मतलब वाइट हो जो भी कलर है, मेरे पास वाइट है तो कलर इसमें वाइट फ्लावर भी आता है। और यह है स्नेक प्लांट, बेस्ट प्लांट है इंडोर एयर प्यूरीफायर, जो रात नाइट में भी ऑक्सीजन छोड़ता है ये प्लांट, इसीलिए हमारे बेडरूम के लिए बेस्ट प्लांट है ये। ये वही जामिया पाम पहले दिखा है, ये भी अच्छा है प्लांट अंदर रखने के लिए। और बेस्ट तो मैं आपको ये नंबर वन प्लांट तो स्नेक प्लांट ही, यानी स्नेक प्लांट भी कहते हैं इसे, सेंसिवेरिया भी कहते हैं, मदर इन लॉ टंग भी बोला जाता है इसे। आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, आप इसे अपने बेडरूम में लगाइए, बहुत अच्छा प्लांट है ये। और ये कभी मरता नहीं, बस पानी थोड़ा सा इसमें कम डालना पड़ता है, बहुत गीली मिट्टी नहीं रहनी चाहिए इसकी। और ये देखिए, ये मेरा मेन डोर से सामने पे मैंने जो सूज रैक रखा है उसके ऊपर ये प्लांट रखे हैं। यहाँ पर हल्की रोशनी है, लाइट धूप नहीं पड़ती है पर रोशनी है, तो यहाँ पर भी ये प्लांट अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए, ये है सिंगोनियम, ये एक सिरेमिक पॉट में मैंने लगाया है, काफ़ी अच्छा ये हो रहा है यहाँ पे। इसमें बहुत ज़्यादा रोशनी भी नहीं पड़ती है तब भी ये अच्छा चल रहा है। बस इंडोर प्लांट लगाने के लिए आप वीक में एक बारी इन्हें बाहर दे रखिए, बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है, हल्की लाइट में, हल्की धूप में रखना है इनको आपने। कभी कभार तो इसमें बाहर रखना ही पड़ता है, मैं भी रखती हूँ आप भी रखिएगा, और अच्छे खासे ये चल जाते हैं अंदर रख इंडोर प्लांट हमारे। बस रोशनी तो चाहिए हर चीज़, ये नहीं हमने इंडोर लगाया है तो कहीं भी अंधेरे कोने पे प्लांट्स रखे हम, तो इनको थोड़ी रोशनी ज़रूर चाहिए। जहाँ पर भी आपकी विंडो हो या फिर डोर हो वहाँ पे रखे। ये देखिए, ये मेरी किचन की विंडो है, यहाँ पर जो है मॉर्निंग की बहुत अच्छी धूप है, ईस्ट फेसिंग ये घर है तो बहुत अच्छी धूप यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे सॉइल में लगाऊं या वाटर में दोनों तरह के प्लांट चल जाते हैं। और मैं विंडो खोलती नहीं हूँ पर इनमें धूप पड़ती है,
मॉर्निंग में 1 घंटा इन पे बहुत अच्छी धूप पड़ती है। मैंने इनमें थोड़े से ये कलरफुल स्टोन डाले हुए हैं, और ये है सिंगोनियम, सिंगोनियम और मनी प्लांट रखा है मैंने, और एक रखा है स्नेक प्लांट। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी पे लगाया है और प्लांट जो हैं सब वाटर पे लगाए हैं। ये इस तरह से, इसमें अभी धूप नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो धूप चली गई है। अब ये है मेरे बेडरूम के प्लांट्स, ये मेरे बेडरूम में दोनों तरफ मैंने इसी तरह से रखे हैं। एक मनी प्लांट जो मैंने वाटर में रखा है, क्योंकि मेरा मनी प्लांट वाटर में बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है तो मैं सॉइल में नहीं लगाती हूँ। और ये सेंसिवेरिया यानी स्नेक प्लांट, ये ग्रीन वेराइटी है, 2 कलर के मेरे पास हैं। और ये ड्वार्फ में भी आता है, छोटा साइज का भी आता है। ये देखिए, बहुत अच्छा प्लांट है ये, जहाँ पे आपकी कम रोशनी है वहाँ पे रखने के लिए, और इसमें ग्रोथ भी अच्छी खासी हो जाती है। और ये दूसरे बेडरूम पे रखा है, ये है मनी प्लांट, वाटर पे रखा है ये, इसे 1 साल हो गया। ये देखिए, बहुत अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी इसमें रूट निकल गई हैं। और मैंने इसमें डाले हैं कुछ मार्बल, उनमें ये बहुत अच्छी रूट दिखाई देती हैं जब रोशनी पड़ती है तो। और ये भी एक दूसरी टेबल पे रखा है, ये भी स्नेक प्लांट है। और ये देखिए, नई ग्रोथ इसमें हो रही है, नई लीव जो आ रही है, बहुत अच्छा बेडरूम प्लांट, बेडरूम के लिए तो बेस्ट है ये प्लांट। और पीस लिली भी आप रख सकते हैं, पीस लिली भी अच्छा है, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और मनी प्लांट हो गया, ये है मेरी छत के लिए जो सीढ़ियाँ स्टेयर्स से गई हैं वहाँ पे मैंने ये प्लांट रखे हैं। और मनी प्लांट है, ये डेफन बीचिया है, ये थोड़ा जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे आप इस प्लांट को मत रखिए, जो ये बड़े पत्ते वाला दिख रहा है, डेफन बीचिया कहते हैं इसको। और ये इसमें जो मिल्क के जैसा निकलता है वो थोड़ा डेंजरस है, इससे बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा इसे। और ये मेरा वॉशरूम है, वॉशरूम में मैंने एक स्नेक प्लांट और ये मनी प्लांट डाला हुआ है। मनी प्लांट को मैं ज़्यादातर वाटर में ही डालती हूँ, बस वाटर चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह से ये काफ़ी ग्रोथ अच्छी कर रहा है यहाँ पे। ये बैकयार्ड के प्लांट हैं मेरे, इंडोर प्लांट, इसका नाम मुझे पता नहीं है। किसी भी व्यूअर को अगर ये इसका नाम पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और का इसमें कई प्लांट हैं जिनके नाम मुझे पता नहीं है। ये अगेव है, अगेव धूप में काफ़ी अच्छा होता है, धूप में भी चलता है, हम छत पे रखेंगे बहुत अच्छा चलेगा, काफ़ी दिन तक पानी मत डालिए, बहुत अच्छा चलता है। पर मैंने पीछे में इसलिए रखा है, ग्रीन इसका सेड बहुत अच्छा आ जाता है, कलर अच्छा आता है। और ये है स्पाइडर प्लांट, इसमें भी हल्की रोशनी रोशनी अच्छी खासी चाहिए, धूप की जगह मत रखिएगा इसे। और ये है पीस लिली का मेरा बड़ा वाला प्लांट, ये मैं इधर रखती हूँ, सारे प्लांट एक रखा है अंदर, और ज़्यादा सारे इसी यहीं पे इसी जगह पे सारे इंडोर प्लांट में रखती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, ये भी बहुत अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है। और ये प्लांट इसका नाम भी मुझे पता नहीं है, अगर किसी व्यूअर को पता होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं मुझे अच्छा लगा मैं कहीं से लेके आ गई। ये है चाइनीज एवरग्रीन, ये भी शेडेड एरिया में बहुत अच्छा होता है। ये मैंने घर के अंदर नहीं रखा, मैं इसे छाया पे ही रखती हूँ, बहुत अच्छा चलता है। और ये मेरा एरिका पाम है, ये देखिए काफ़ी बड़ा ये हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पे मेरे प्लांट जो भी हैं बहुत अच्छे चलते हैं, धूप यहाँ ना के बराबर आती है, बिल्कुल नहीं धूप है यहाँ पे, गर्मी में थोड़ा बहुत आती है और ठंड के मौसम में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। ये है सिंगोनियम, और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये जब तक धूप में था तो येलो लीव्स होती हैं, अगर छाया पे रख दो आप देखिए यहाँ से आधे से इसकी पत्तियाँ जो हैं ग्रीन हो रही हैं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले रखा है, तो अगर धूप में रखेंगे तो येलोनेस ज़्यादा आएगी प्लांट में, अगर छाया में रखेंगे तो ये ग्रीन होगा। तो ये ज़्यादा अच्छा सेमी सेट पे रखिए आप इसे। और ये डेफन बेचिया है,
इसका भी यही है, आप इसे इंडोर रखेंगे तो ग्रीन लीव्स ज़्यादा आएंगी और आउटडोर रखेंगे तो थोड़ी सी येलोनेस इसमें आएगी, चलता दोनों जगह है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है इसे। और ये है बेम्बू पाम हमारा, ये देखिए बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, ये थोड़ा कम रोशनी भी होगी तो ये चलता है। बस हर प्लांट में मेथड वही है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है प्लांट को, बस उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सॉइल चेक कर लीजिएगा। अगर थोड़ी सूखी रूखी सूखी सी मिट्टी लगती है तो आप समझ लीजिए इसे पानी की ज़रूरत है। ये देखिए अगेव है ये, इस और ये है मेरा स्पाइडर प्लांट। यहाँ कलर देखिए इन प्लांट्स के, बहुत अच्छे कलर हो रहे हैं यहाँ पर। और ये है सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी है, ये बड़ा वाला सिंगोनियम पहले दिखाया था, ये भी इंडोर प्लांट है। इसकी लीव्स बहुत अच्छा कलर देती है रेड कलर का, पर मौसम के अनुसार अभी ग्रीन हो रही, कुछ दिनों में आप देखेंगे रेड पत्ते इसके हो जाएंगे। अच्छा कलर है ये बहुत, और वो उस सिंगोनियम से थोड़ा सा कॉस्टली आता है, बड़े वाले सिंगोनियम से। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।